सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उमड़ी भीड़, जनप्रतिनिधि रहे परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत, मनीष कुमार झा के साथ। यह है पंडुकी पंचायत, जहां सरकार आई है जनता के द्वार। कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत दीपक प्रज्वलित कर किया गया एवं प्रारंभ हुई लोगों की शिकायत। यह भीड़ जिसे आप देख रहे हैं, इसमें ज़्यादातर लोग जानकारी प्राप्त करने आए हैं, लेकिन जो भी लोग परेशानी लेकर आए हैं, परेशानी गंभीर है, समस्याएं गंभीर हैं। ग्राउंड स्तर पर जब पोल खुलना प्रारंभ हुआ तो मुखिया प्रतिनिधि के हाथ पांव फूलने लगे। लोगों की शिकायत थी कि उनके घर में शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है और ना ही उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, जबकि वो अत्यंत गरीब हैं। इस विषय पर मुखिया प्रतिनिधि बोले, देखिए स्वाभाविक है, जनता का जो भीड़ है वो आशा के साथ अपना यहाँ पर भीड़ लगाया हुआ है, लेकिन जो आरोप बोला जाता है कि मुखिया द्वारा नाम कटा दिया गया है प्रधानमंत्री आवास से, ये सरासर गलत है। हम अपने इमें बता सकते हैं कि हम लोग ईमानदारी पूर्वक 5 साल जनता की सेवा किए हैं और जनता को जहां तक लाभ से जुड़ने का प्रयास किए हैं, और आज भी उसी प्रयास का ये है कि जो भी बचे खुचे हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उन्हें उस विकास से जोड़ा जाएगा। और हम लोग ईमानदारी पूर्वक, पूर्व में भी ईमानदारी पूर्वक काम किया हूँ, आज भी ईमानदारी पूर्वक हूँ और ईमानदारी से जनता को विकास की धारा से जुड़ने का काम किए हैं। और किसी प्रकार का हम लोग भेदभाव न किए हैं, न कोई जाति प्रथा हम लोग के पास है, न कोई संप्रदाय विशेष के लिए है, सारा जनता गरीब गुरबों के लिए हम लोग काम करते हुए आए हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति जो अपना साक्ष के साथ आरोप लगाना अलग बात और सिद्ध करना अलग बात, आरोप तो लगता ही है, विरोधियों के द्वारा बहुत तरह का आरोप लगाया जाता है। अभी जो समस्या देख रहे हैं कि लोग शौचालय को लेकर शिकायत कर रहे हैं, उनका शौचालय बना नहीं और पेयजल स्वच्छता विभाग का कोई काउंटर लगा नहीं, तो लोग कहाँ गए और आखिर ये लोग छूटे कैसे? देखिए हमारा यहाँ पंचायत पूर्व में ODF हो चुका है, जिस समय हम लोग शुरू में, जैसे आप वैक्सीनेशन का उठा लीजिए, वैक्सीनेशन शुरू में आदमी उसका गलत अफवाह उड़ा कर देता है, तरह तरह का अपना मन में संरचना कर लेता थे और उसे वैक्सीनेशन से वंचित हो गया। आज वैक्सीनेशन लेने का काम कर रहा है, भीड़ उमड़ता है। उसी तरह पहले हम लोग शौचालय जब घर घर देने का काम किया करते थे, जब जाकर के गुहार लगा रहे थे, तो शौचालय की जो अभी 12,000 का शौचालय बनता था, बोला ये अब शौचालय हमें नहीं चाहिए, बहुत आदमी वो अपने स्तर से उसको नहीं लेने का प्रयास किया। ODF हो जाने के बाद भी हमने 150 का डिमांड डाल चुके हैं, जरूरत के आधार पर डाले हुए, अभी तक उसके लिए राशि नहीं दिया है, उसके लिए कोई तरह का ये नहीं हुआ। आज भी अगर हमें उस चीज़ के लिए करेंगे, सरकार द्वारा राशि का उपलब्ध कराया जाएगा, बाकी सारा ही प्रक्रिया के तहत जो काम किया होगा दिया जाएगा, तो हम उन्हें देने का काम करेंगे। एक गंभीर प्रश्न रहा यहाँ कि आप प्रतिनिधि हैं कि जब उन लोग का शौचालय पूरा बना नहीं तो ODF घोषित कैसे हो गया? जी ये तो सवाल है। जी नहीं, इसके लिए अधिकारी भी है और भी है, उस पर समय समय पर अधिकारी आकर जाँच भी किए हैं, ऐसा बात नहीं कि हम ही लोग करके बना कर लोगों का जो काम है, जागरूकता के साथ परिवार को जागरूकता के साथ शौचालय का देख रेख से लेकर कैसे बनाया जाए, कैसे इसको उपयोग किया जाए, सारा चीज से हम लोग जागरूकता किए हैं, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं जनता में जागरूकता का अभाव है माना जाए कि अपना अच्छाई को लोग नहीं देख रहे हैं। अलग अलग काउंटर लगा, परंतु समस्या तब हुई जब लोग बिजली विभाग से संबंधित शिकायत लेकर आए। आज तक कहीं भी बिजली विभाग का ना तो काउंटर लगा, ना ही कोई कर्मचारी पहुंचे। नोडल अधिकारी से जब इस विषय पर पूछा गया तो वो टाल मटोल करते नजर इस प्रकार आए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अभी चल रहा है, जिस लोगों को बिजली से समस्या है वो कहाँ जाए, क्योंकि उसके लिए कोई स्टॉल नहीं लगा हुआ है। आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम लोग गोविंदपुर के पंडुकी पंचायत में शिविर का आयोजन किए हुए हैं। इस आयोजन में सरकार के आदेशानुसार प्रखंड और अंचल से सारे विभाग उपस्थित हैं, जो भी जन आवेदन दिए जा रहे हैं सबका त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। बिजली विभाग वाले से भी संपर्क की गई है, थोड़ी देर में वो लोग भी उपस्थित हो जाएंगे और बिजली विभाग से जो भी समस्या होंगी उसका भी निराकरण कर लिया जाएगा।
क्योंकि सर जितने जगह मैंने अभी तक घूमा है सब पंचायत में लगभग गई है, बिजली की वजह से समस्या लोगों की नहीं है और पेयजल स्वच्छता की नहीं है। बिजली साहब बोले थे कि हमें जमा करें, लेकिन इसमें से समस्या का समाधान हो नहीं पाया, लोग परेशान है। तो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को अधूरा रह गया, पूरा तो हो नहीं पाया, लोगों को समस्या देखने को हुई है। संपर्क की गई है उनसे, आज उपस्थित रहेंगे वो लोग भी, उनके विभाग से भी संपर्क किया गया है। अब समझिए, केंद्र सरकार कहती है डिजिटल हो जाएं, राज्य सरकार जनता के दरबार आई है, परंतु जिला परिषद सदस्य से जब इस विषय पर पूछा कि जनता का शिकायत है कि आप फोन नहीं उठाते हैं जिससे वो लोग परेशान रहते हैं, तो वो कहते हैं कार्यालय खुला है। क्या इन्हें जनता का फोन पिक नहीं करना चाहिए? भाई मेरा कार्यालय बगल में ही है, मैं कहीं बाहर नहीं रहता हूँ, शहर में नहीं रहता हूँ, मैं इसी जगह रहता हूँ, मेरा निवास स्थान भी यही है और मेरा ऑफिस भी यही है। तो जिनको भी समस्या है वो सीधे हमारे कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं और जो करते हैं उनकी समस्याओं का निदान भी होता है। देखिए समस्याएं लगातार आते रहती है और उसका निराकरण भी लगातार होते रहता है, ये एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो आज आया और आज ही खत्म हो जाए, आज आपके पास है कल उनके पास है, तो ये समस्याएं लगातार आने वाली चीज़ है और इसका निराकरण भी लगातार किया जाता है। सरकार आपके द्वार हेमंत जी ने एक अच्छी पहल शुरू की है ताकि लोगों को अलग अलग विभागों में भाग दौड़ नहीं करना पड़े, तो सब एक जगह उन्होंने आपके दरवाजे तक लेकर के आया है। आज पंडुकी पंचायत आप देख रहे हैं पंचायत भवन में ये दरबार लगा है और यहाँ पे देख लीजिए पशुधन विभाग, मत्स्य विभाग, जितने तरह के डिपार्टमेंट हैं सरकार के जो जनता से जुड़ा हुआ है सबका यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है। जिनको आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, जिनको नहीं मिल पाया है उसके लिए भी काउंटर लगा हुआ है कि आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो सरकार की एक कोशिश है कि जो सरकारी योजनाएं हैं जिसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है या उनको जानकारी नहीं मिल पाती है तो वो यहाँ पे आकर के जानकारी भी हासिल कर सकते हैं और सरकारी जो सुविधाएं हैं उसका लाभ भी उठा सकते हैं, यही प्रयास है हेमंत जी का। वैसे दिव्यांग जिसे आज तक कोई सहायता नहीं मिला वो यहाँ आई और अपना परेशानी सुनाई। क्या समस्या है इसकी? इसको जब जानते से इसको मने बहुत तकलीफ है, ना पैसा मिलते है, ना इसको चावल मिलते है, ना कुछ नहीं, बहुत तकलीफ। नाम बताइए। भादु कुमारी। सवाल फिर खड़ा होता है, जब सेविका घर घर जाकर महिला की समस्या सुनती है एवं उसका समाधान CDPO से पूछकर करने का प्रयास करती है तो यह बच्ची आज तक वंचित रहे कैसे? क्या कुर्सी के एक दिव्यांग का आरोप सही माना जाए जिसमें वो आरोप लगाते हैं कि कर्मचारी को पैसा बतौर रिश्वत नहीं मिलता इसलिए ऐसे लोगों की सहायता नहीं की जाती है, सहायता राशि नहीं मिलती है? यदि भ्रष्टाचार नहीं है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को चाहिए कि गांव स्तर पर जांच कराएं एवं अनियमितता को दूर करें, क्योंकि शिकायत यह भी है कि आंगनबाड़ी में वैसे बच्चे के नाम से लाभ लिया जाता है जिसका उम्र 5 साल से कम है एवं निजी विद्यालय में पढ़ता है। जैसा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं ग्राउंड स्तर पर आकर उन्हें अनेक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, अब देखना है क्या ऐसे जो जड़ से जुड़े हुए समस्या हैं उसका समाधान होता है या नहीं, इसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। यदि आपके यहाँ भी कोई समस्या है तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें या हमसे संपर्क करें, हम आपकी बात संबंधित अधिकारियों एवं मंत्रियों तक पहुँचाने का भरसक प्रयास करेंगे। आप रहें खुशहाल, हमें दें अनुमति। नमस्कार।